नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल सुरमंदिर इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आपका प्यार ही हमें आगे ले जाता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले तीन कंपनी के जो FTA बॉक्स आते हैं उसके बारे में, यानी कि दोस्तों डिश टीवी कंपनी के इस बॉक्स के बारे में, यानी कि जिंग डिजिटल के बॉक्स के बारे में, और साथ में हम बात करेंगे एयरटेल के FTA बॉक्स के बारे में, और दोस्तों साथ में हम कंपेरिजन करेंगे सन डायरेक्ट के FTA बॉक्स के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, तीनों ही बॉक्स यहाँ पे बहुत ही धूम मचा रहे और डिश टीवी के जगत में बहुत ही बड़ा नाम लेके बैठे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी FTA बॉक्स लेना होगा तो किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी FTA बॉक्स लेना होगा, दोस्तों यहाँ पे प्रीट्वेज का जो सेटअप बॉक्स आता है MPG2, उसका तो जमाना बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों कंपनी बहुत ही कम प्राइस में, जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत सारी चैनल दे रही है, और साथ में पेड चैनल ऐड करने का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे दे रही है। तो आजकल तो दोस्तों प्रीट्वेज का जो सेटअप बॉक्स आता है उसका जमाना तो बिल्कुल यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करने वाले तीनों सेटअप बॉक्स की बहुत ही जरूरी पांच खास बातें। तो यहाँ पे सभी ऐसे पॉइंट के बारे में हम चर्चा करने वाले जो आपको जानने बहुत ही जरूरी है इन सेटअप बॉक्स की खरीदी करने से पहले। आपने अगर इस वीडियो को देखे बिना सेटअप बॉक्स की खरीदी कर ली तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मुझे ज्यादा पेड चैनल ऐड करना है तो इन तीनों सेटअप बॉक्स में से, जी हाँ फ्रेंड्स, इन तीनों सेटअप बॉक्स में से आपको कोई भी सेटअप बॉक्स काम नहीं लगने वाला है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले, तो वीडियो आप पूरा देखिए। पर दोस्तों यहाँ पे हम कौन कौन से पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे वो हम पहले ही जान लेते हैं, जिससे आपको वीडियो देखने में बहुत ही आसानी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले इन तीनों सेटअप बॉक्स में कितनी हमें वैलिडिटी मिलने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ जो प्रीट्वेज की जो चैनल आती है उसकी वैलिडिटी कितनी मिलने वाली उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद इसकी प्राइस जो है उसकी कंपैरिजन दिखाएंगे तीनों सेटअप बॉक्स की जो प्राइस आती है उसकी कंपैरिजन दिखाएंगे, और साथ में आपको कहां से परचेस करना है जिससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिले वो भी हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इस सेटअप बॉक्स के अंदर हम पेड चैनल ऐड करते हैं तो नेटवर्क कैपेसिटी फीस कितनी कितनी लगती है, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी पेड चैनल ज़्यादा मिलती है, यानी कि तीनों जो बॉक्स है उसके अंदर हमें पेड चैनल रिट्वेज की जो चैनल्स आती है वो तो मिलने वाली है, बट यहाँ पे जो पेड चैनल कौन सी कंपनी हमें ज़्यादा दिखा रही है। और दोस्तों लास्ट में हम बात करने वाले कौन सा सेटअप बॉक्स आपके लिए सही है, और ज़बरदस्त टिप्स देके वीडियो को मैं समाप्त करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम का लगे तो वीडियो को लाइक दिए बिना बिल्कुल ना जाए, और दोस्तों वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों वीडियो की जल्दी से शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं हमारे तीनों सेटअप बॉक्स की वैलिडिटी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जिंक वाला जो बॉक्स है वो हमें 4 साल के लिए प्रीट्वेज की चैनल्स दिखाएगा, एयरटेल FTA वाला जो बॉक्स है वो हमें 3 साल के लिए प्रीट्वेज की चैनल्स दिखाएगा, और दोस्तों सन डायरेक्ट का जो बॉक्स है वो हमें 2 साल के लिए प्रीट्वेज की चैनल्स दिखाने वाला है। पर यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सी चैनल्स ये ज़्यादा दिखाने वाला है, यानी कि पेड वाली जो चैनल्स आती है वो हमें कौन कौन सी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने वाले उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जिंक वाला जो डिश टीवी कंपनी का बॉक्स है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रीट्वेज की जो चैनल्स आती है वो हमें 4 साल के लिए तो मिलने वाली है, पर यहाँ पे दोस्तों हमें 8 से 10 चैनल पेड वाली भी मिलने वाली है, तो वो कौन कौन सी रहने वाली है, तो यहाँ पे सोनी पल, रिश्ते कलर्स, जी अनमोल और स्टार उत्सव, और साथ में दोस्तों हमें 7 से 8 चैनल गुजराती की भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और साथ में दोस्तों जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं उसकी भी सारी की सारी यहाँ पे चैनल्स आपको देखने को मिलने वाली, तो ये इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही बढ़िया है। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं एयरटेल FTA बॉक्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कंपनी हमें 3 साल की प्रीट्वेज की चैनल्स की वैलिडिटी देती है, और साथ में हमें हर चैनल यानी कि हर पेड चैनल ऐड करने का मौका देती है। पर यहाँ पे दोस्तों इसका जो NFC का जो फॉर्मूला है वो अच्छा है, यहाँ पे दोस्तों इसका जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जिंक वाला जो बॉक्स है उसके अंदर आपको जो चैनल्स की प्राइस लगती है उसके साथ आपको 5 से 10 रुपया ज़्यादा पे करने होंगे, यानी कि जो छोटी चैनल्स है उसके लिए 5 रुपया, और बड़ी चैनल यानी कि स्टार प्लस, JTV, सोनी और स्पोर्ट की जो चैनल्स है उसके लिए आपको 10 रुपया ज़्यादा देना होगा, यानी कि 19 रुपये की जो चैनल्स है वो आपको
जीएसटी के साथ डबल टू में पड़ेगी, और उसके बाद और 10 रुपये आपको एनसीएफ चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे एयरटेल कंपनी का ये फॉर्मूला अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी पेड चैनल ऐड करने के लिए कोई भी एनसीएफ चार्ज नहीं लगता। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा पेड चैनल ऐड करके देखना है तो एयरटेल का ही बॉक्स लेना चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक दो या तो तीन चैनल पेड वाली ऐड करके देखना है तो आपको जिंक वाला बॉक्स लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 3 साल की वैलिडिटी मिलती है, और यहाँ पे हमें FTA पैक की 4 साल की वैलिडिटी मिलती है। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं एयरटेल कंपनी हमें कौन कौन सी चैनल्स देने वाली। तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला फैक्ट है कि जिंक वाला बॉक्स जो फ्रिक्वेंसी चैनल्स दिखा रहा है वही सारी चैनल इसके अंदर आने वाली है, बट इसके अंदर 3 साल के लिए लॉक किया जा रहा है और इसके अंदर आपको 4 साल के लिए इसकी वैलिडिटी मिलती है। अभी दोस्तों हम सन डायरेक्ट सेटअप बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 2 साल के लिए सारी की सारी प्रीपेड की चैनल्स मिलने वाली, और यहाँ पे एक्स्ट्रा दोस्तों साउथ के जो कस्टमर है उनके लिए साउथ की जो चैनल्स है लोकल चैनल्स वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है। जैसे कि हम गुजरात में रहते हैं और गुजराती की चैनल्स मिलती है, उसी प्रकार से तो साउथ के लिए ये सन डायरेक्ट कंपनी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे दोस्तों 2 साल की जो वैलिडिटी मिलती है उसके साथ हमें 1 साल की सेटअप बॉक्स की वारंटी, रिमोट, एडेप्टर सारा सामान मिल जाएगा, और साथ में जो वारंटी मिलती है वो दोस्तों किस प्रकार की मिलने वाली, तो आपको जब भी कोई छाता हिल जाता है, कुछ भी होता है, तो आपको बिल्कुल 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में सेटिंग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये अच्छी बात है कि सेटअप बॉक्स की वारंटी के साथ साथ हमें एंटीना की भी वारंटी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे इस सेटअप बॉक्स की नेटवर्क कैपेसिटी फीस के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल 0 है, यानी कि आप कोई भी पेड चैनल ऐड करते हैं तो यहाँ पे कोई भी नेटवर्क कैपेसिटी फीस आपको पे नहीं करनी है, यानी कि चैनल्स और साथ में जो GST लगता है वही, तो ये भी इसकी बहुत अच्छी बात है। पर दोस्तों यहाँ पे पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए ये बॉक्स बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साउथ में तो आपको इसकी सर्विस अच्छे से मिल जाएगी, बट यहाँ पे अगर आप कोई अन्य राज्य में रह रहे हैं तो आपको सेटअप बॉक्स की जो सर्विस आती है, यानी कि अगर सेटअप बॉक्स आपका बिगड़ गया तो आपको इसकी सर्विस अच्छी नहीं मिलने वाली। तो आपको साउथ में अगर रहते हैं तो ये सेटअप बॉक्स बहुत ही बढ़िया है, बाकी अन्य प्रदेश में आप रह रहे हैं तो आपको एयरटेल वाला ये बॉक्स या तो फिर जिंक वाला DStv का बॉक्स लेना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीनों सेटअप बॉक्स की प्राइस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एयरटेल कंपनी के जो प्राइस है वो 1300 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप लिंक से बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सबसे लो प्राइस वाला लिंक डाल के रखा है, तो वहाँ से भी आप बाय करना चाहते कर सकते। कैश एंड डिलीवरी की सुविधा है, तो आपको पहले पैसे नहीं पे करने हैं। अगर दोस्तों आप जिंक वाला बॉक्स यानी कि DStv कंपनी का ये बॉक्स आप खरीदना चाहते हैं तो इसका भी मैंने लिंक डाल के रखा है, ये भी आपको 1400-1500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, और साथ में आपको 1 साल की वारंटी और सेटअप बॉक्स आपको मिलेगा, और 4 साल तक इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी का रिचार्ज नहीं करना है। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं सन डायरेक्ट के सेटअप बॉक्स के बारे में। तो हमें 850 रुपये में नियर कोई शॉप में अगर आप जाते हैं तो 850 रुपये में मिल जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आपको 1000 या तो 1100 रुपये के आसपास इसकी प्राइस थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। तो आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है, आप साउथ के कस्टमर है तो ये आपके लिए बहुत सही है, अगर आप किसी और राज्य में रह रहे हैं तो आपको एयरटेल या तो जिंक वाला ही बॉक्स लेना चाहिए। अभी दोस्तों हमारे टिप्स के बारे में। जी आपने अगर ये सारे के सारे सेटअप बॉक्स आपको लेने हैं तो आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे दोस्तों मेरी छोटी सी प्यारी सी टिप्स है कि आप अगर 1-2 रुपये या तो 3 रुपये खर्च करके इसमें 1-2 चैनल ऐड करके देखते हैं तो उससे अच्छा तो आपको DStv कंपनी का जो रेगुलर बॉक्स आता है वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों DStv कंपनी अभी बहुत ही बढ़िया स्कीम दे रही है 230 रुपये में, यानी कि 7 या 8 रुपये में आपको सारी की सारी चैनल्स आपको देखने को मिलती है। तो आप 2-3-4 रुपये खर्च करके फ्री टू एच का ही मजा लेंगे, या फिर सारी की सारी चैनल्स DStv के सेटअप बॉक्स में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे DStv कंपनी के यहाँ स्क्रीन पे चला के दिखा रहा हूँ थंबनेल, वो बहुत ही बढ़िया ऑफर है। तो इस वीडियो को आप जाइए और देखिए, और इस वीडियो को समझने के बाद आप कहीं से भी नियर शॉप से आप खरीदी कीजिए, बहुत ही बढ़िया ऑफर है। आपको 230 रुपये में आपको एंटरटेनमेंट की सारी चैनल्स, मूवीज की सारी चैनल्स, और कार्टून और डिस्कवरी की भी यहाँ पे चैनल्स मिल जाएगी, और साथ में आपको स्पोर्ट की भी चैनल्स मिल जाएगी, यानी कि 350 रुपये वाला हर कंपनी का पैक
आपको 230 रुपये में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरी टिप्स है कि आप अगर ये छोटा मोटा बॉक्स लेते हैं फ्रीटवेज वाला, तो आपको काम का नहीं है। आप पूरा एंटरटेनमेंट लीजिए, यानी कि डिश टीवी कंपनी का सेटअप बॉक्स लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।